झारखंड में चलने वाली भारतीय रेलवे की नक्सलियों और आतंकियों से कहीं ज्यादा चूहों से खतरा है। रेलवे को चूहों की ऐसी नजर लगी कि रेलवे को नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट। पहले तक अक्सर नक्सली और आतंकी रेलवे को अपना निशाना बनाया करते थे, विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रेल खंडों को उड़ा डाला करते थे, लेकिन अब जब वो ठंडे पड़ गए हैं तो उनसे भी बड़ी एक दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई है। ये मुसीबत है चूहे, जो अंदर ही अंदर रेल खंडों को लगातार खोखला करते चले जा रहे हैं। रेलवे की पेस्ट कंट्रोल की सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद रेलवे चूहों के सामने बेबस नजर आ रहा है। यूं तो पेस्ट कंट्रोल के लिए रेलवे का अपना एक सिस्टम है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि ये सिस्टम चूहों के आगे फेल है। वो जो रेलवे ट्रैक होता है आसपास के इलाके से ऊपर होता है, वो जो चूहे वहाँ पर आप लोग देखते हैं वो रेलवे ट्रैक के नहीं, अगल बगल के इलाके से बारिश होने के चलते ऊपर चले आते हैं। आप किसी भी जगह देखिएगा, रेलवे का ट्रैक जो है एलिवेटेड होता है तो वहाँ पे आ सकता है। ऐसे हम लोग उसको हमेशा कोच में भी हम लोग रोडेंट कंट्रोल का, पेस्ट कंट्रोल का काम करते रहते हैं, ट्रैक पे भी होता है। चूहों की नजर सिर्फ रेल खंडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पार्सलों और अन्य सामग्रियों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से रेलवे की एक बड़ी राशि मुआवजे में व्यर्थ जा रही है। प्रयास है रेलवे का, हमेशा वो करते रहता है कि कम से कम डैमेज हो। वो एक दिन का प्रयास नहीं है, वो कंटिन्यूस करते रहते, उसमें कुछ कमी हो जाता है, लेकिन इन दैट केस हम लोग पैसेंजर्स को उसका जिसका पास उसको क्लेम भी देते हैं, वी सेटल द क्लेम, उसका हम लोग भरपाई करते हैं। चूहों से निजात पाने के लिए रेलवे को कुछ नया इजाद करना होगा, वरना ये चूहे हर साल यूं ही रेलवे को करोड़ों का चूना लगाते रहेंगे। आज से कुछ साल पहले तक झारखंड के जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरने वाली भारतीय रेल को अक्सर नक्सली अपना निशाना बनाया करते थे और रेल खंडों को उड़ा डाला करते थे, लेकिन अब नक्सलियों से कहीं ज्यादा खतरा भारतीय रेलवे को चूहों से है, जो अंदर ही अंदर रेल खंडों को खोखला करते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कौशल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 रांची।